हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अजय जागलान। तो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक है हमारा डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, कि आज़ादी के बाद या फिर जो हमारी पॉलिसीज आई उन सब पॉलिसीज के बाद हमारे देश का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था, फॉरेन ट्रेड था, वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा था। ठीक है, कहता है 1951 डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड हैज ऑल्सो अंडरगोन अ सब्सटेंशियल चेंज, कि भाई वो समय के साथ देखो बहुत चेंज हुआ है। जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था वो समय के साथ 1951 के बाद, आज़ादी के बाद, वो बहुत चेंज हुआ है, एक्सपेंड भी किया है। ठीक है, कहता है हमारे जो प्रेजेंटली जो ट्रेडिंग पार्टनर है हमारे, जैसे कुछ कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया है, ईरान है, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया एंड वेरियस अदर कंट्रीज हैं जो हमारे रिसेंटली ट्रेडिंग पार्टनर हैं। कहता है अभी रिसेंट ईयर्स में यूएई, कहता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई हैज एमर्ज एज एन लीडिंग ट्रेड पार्टनर एंड यूएसए विच वॉज अवर लीडिंग ट्रेड पार्टनर इन 2007-08। कहता है करंट में जो यूएई है वो हमारा लीडिंग ट्रेड पार्टनर है, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग उन्हीं के साथ होता है हमारा। और 2007-08 में हमारा ट्रेडिंग पार्टनर कौन था सबसे ज्यादा? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, कहता है यूएसए शेयर इन इंडियाज एक्सपोर्ट ड्यूरिंग 2016-17 वॉज रिकॉर्डेड एज 15.3%। कहता है जो यूएसए का शेयर था हमारे एक्सपोर्ट्स में वो था 2016-17 में 15.3% के आसपास, और यूएई का कितना? 11.3%। कहता है चाइना हैज ऑक्यूपाइड फर्स्ट पोजीशन इन इंडियाज एक्सपोर्ट विद इंपोर्ट विद 15.9%। कहता है अब इंपोर्ट में जो इंडिया में इंपोर्ट होता है उसमें सबसे ज्यादा शेयर किसका है? वो है बच्चे चाइना का। ये सब तो बड़ी कॉमन सी बात है, आप सभी जानते हैं कि चाइना बहुत बल्क ऑफ सामान अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है और इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्टर किसका है? चाइनीज गुड्स का है। ठीक है, 15.9% और यूएसए का शेयर कितना है? मात्र 5.8%। ठीक है, ये शेयर परसेंटेज किसका है? यूएसए का शेयर परसेंटेज है बच्चे। ठीक है, यूएसए हमसे इतना करता, याद रख लो 15. चाइना कितना ज्यादा एक्सपोर्ट करता हमारे देश में। ठीक है, अगले पॉइंट में कहता है सऊदी अरब वॉज ऑल्सो एमर्ज्ड एज एन इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर। सऊदी अरब भी हमारा एक इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर है विद 4% शेयर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड पार्टनर बिटवीन 2010-11 और 16-17 में। के 2010 और 11 में और 16-17 में हमारे देश का जितना भी टोटल ट्रेड होता था ना, उसका 4% किसके पास था बच्चे? वो हैंडल करता था हमारा यूएस सऊदी अरब। और इस 4% पे मैक्सिमम ट्रेड बच्चे किस चीज का होता था? देखो, हमारे यहाँ से वहां पे जाते थे हमारे पल्सेस। ठीक है, वहां से आता था हमारे पास क्रूड ऑयल। ठीक है, मैक्सिमम एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मैक्सिमम वहां पे एक्सपोर्ट होता था क्रूड ऑयल का। ठीक है, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड चाइनीज डोमिनेंस हैज इंक्रीज इन इंडियन मार्केट। अब वो 1991 की पॉलिसीज के बाद, ग्लोबलाइजेशन के बाद, जो चाइनीज डोमिनेंस है इंडिया में वो लगातार बढ़ती जा रही है और बढ़ भी चुकी है। चाइना ने हमारी पूरी मार्केट को कैप्चर कर चुके हैं, चाइनीज गुड्स हमारी पूरी मार्केट को कैप्चर कर चुके हैं। ठीक है बच्चे, अब उसी टॉपिक पे कहता है 1991 अ ईयर ऑफ डिवाइड, एक ऐसा ईयर आया है जिसने सब कुछ बदल के रख दिया है 1991 में। ऐसा क्या हुआ भाई? कहता है आफ्टर 1991 इंडियाज फॉरेन ट्रेड एंड वॉल्यूम, कहता है उस 1991 के बाद जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था, वॉल्यूम था, वो एकदम से मोमेंटम पकड़ लिया, उसने एकदम से वो इंक्रीज हो गया। कारण उसके पीछे 1991 की पॉलिसीज। ठीक है, कहता है 1991 तक बच्चे हम लोग अपनी जो हमारी डिफरेंट ट्रेड स्ट्रेटजीज थी ना उन पे फॉलो करते थे। हमारी अब फेमस एक स्ट्रेटजी थी बच्चे, उसका नाम था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। ठीक है, अब इसके बारे में आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा मैं कि ये स्ट्रेटजी क्या थी हमारी। कहता है इट वॉज ओनली 1991 दैट वी शिफ्टेड टू दी स्ट्रेटजीज ऑफ एक्सपोर्ट एंड प्रमोशन विद ट्रिगर्ड आवर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। कहता है 1991 की ही पॉलिसीज थी जिनके बाद हमने अपने एक्सपोर्ट प्रमोशन पे और इम्पोर्ट पे ध्यान देना स्टार्ट किया था। ठीक है बच्चे, उससे पहले हम इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी पॉलिसीज, ऐसी पॉलिसीज को ही फॉलो करते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करते हैं हमारे पास इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी के, हमारी ये ऐसी स्ट्रेटजी कौन सी थी बच्चे? देखो, इसका दूसरा नाम भी है, या फिर इसको अगर मैं एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसको कहना चाहूँ तो इसकी डेफिनेशन होगी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी। एक ऐसी स्ट्रेटजी थी, एक ऐसा गेम प्लान था जिसमें इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन बनाया जाए, जो हम लोग इंपोर्ट करते थे ना उसका सब्स्टिट्यूशन तैयार किया जाए। कहता है यहाँ पर सबसे पहले क्या था, ऐसी पॉलिसीज थी बच्चे के जो हमारी इंपोर्ट होता था ना, जो उनकी डिपेंडेंस थी उसको कम किया जाए, कैसे ना कैसे करके जितना भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसको कम करें, अदर कंट्रीज पे जो हमारी डिपेंडेंस थी उसको कम करें और अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ऑप्शन दे या मौका दे कि वो फ्लरिश करें।
ठीक है। अब उसमें कुछ पॉइंट हुए हमारे पास, कहता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मींस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स, कहता है ऐसी गुड्स की प्रोडक्शन की जाए जो इकोनॉमी में क्या करें, हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती थी, ठीक है, हमारी इकोनॉमी में हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती थी और उनकी वजह से क्या होता, हमारे फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स थे वो कम होते, हमें बाहर पेमेंट करनी पड़ते, अपना जो फॉरेक्स रिजर्व था हमारा उसको बचाना हमें। अगले पॉइंट में कहता है फॉरेन एक्सचेंज वॉज to be utilized for developmental imports of plant and machinery for growth and development, कहता है जो पैसा हम लोगों ने इम्पोर्ट में बचाया है ना, उस पैसे को हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते, उस पैसे को हम इस्तेमाल करते इम्पोर्ट करने में, डेवलपमेंटल इम्पोर्ट्स, कैसे, जैसे कोई प्लांट और मशीनरी जिससे फर्दर प्रोडक्शन हो, जिससे हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्लरिश करें। अब कोई प्लांट मशीनरी इंडिया में आएगी उससे प्रोडक्शन करेंगे, अब प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो बाहर उसका एक्सपोर्ट करेंगे। कहता है जो इम्पोर्ट ऐसे फिनिश गुड्स का इम्पोर्ट करने के बजाय हम लोग इम्पोर्ट करते थे ऐसी कैपिटल गुड्स का, प्लांट मशीनरी का, जिससे ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमारे यहाँ पे फर्क पड़े और हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो इंक्रीज करे। और ये सब तरीके बचे क्या कि इम्पोर्ट को कैसे ना कैसे करके हमें कम करना है, ठीक है, दोनों पॉइंट में इम्पोर्ट को कम करना है और अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को, अपने फॉरेन एक्सचेंज को हमें बचाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में वो कहता है हमारे पास कि बाय अडॉप्टिंग इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी गवर्नमेंट प्रेफर टू सेव फॉरेन एक्सचेंज, गवर्नमेंट का, सरकार का, स्टेट का एक ही मकसद होता था कि वो अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को, अपने जो विदेशी मुद्रा है, विदेशी करेंसी है, उसको बचाए किसके द्वारा, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के द्वारा, बाहर से सामान इम्पोर्ट ना करके उसका कोई सब्स्टिट्यूट, ठीक है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट इंडिया में डोमेस्टिक इंडस्ट्री में ही डेवलप करते हम लोग, ठीक है, या फिर अब कहता है ऐसी पॉलिसी हम लोगों ने बना ली कि उसका सब्स्टिट्यूट हम यहाँ पे डेवलप कर लें, रेदर देन क्या, अगर हम अपने एक्सपोर्ट, अपने रिजर्व्स को बचाने के लिए हमने इम्पोर्ट कम कर दिए, ठीक है, हमने रिजर्व्स को बचाया, हमने यहाँ पे डिफेंसिव पॉलिसी अपनाई, हम यहाँ पे एक ऑफेंसिव पॉलिसी बना सकते थे कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करें, एक्सपोर्ट प्रमोट करते तो फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज करता, ठीक है बच्चे। आगे अगले पॉइंट में कहता है गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, गवर्नमेंट का मेन मकसद था कि अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाओ किससे, इंटरनेशनल कंपटीटर से, ठीक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन विद द हेल्प ऑफ टैरिफ पॉलिसीज एंड कोटा सिस्टम। अब इंडिया ने जो क्या किया हमारी पॉलिसीज में, जो हमारे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हुआ करते थे उनको उनमें किन चीजों की मदद ली, उन्होंने कुछ टैरिफ पॉलिसी बनाई कि कोई गुड्स यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे इतना टैरिफ लगाएंगे, गुड्स महंगी होगी तो इंपोर्ट कम होगी, उनके कोटा सिस्टम बनाया कि इतने ही गुड्स यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पॉलिसीज हमने अपनाई इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, उसके इंपैक्ट क्या हुए, कहता है कुछ हमारे यहाँ पे गुड इंपैक्ट हुए, गुड इंपैक्ट क्या, हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, कहता है उससे हमारी ग्रोथ रेट बहुत इंक्रीज हुई, ठीक है, जीडीपी इंक्रीज फ्रॉम नियरली 12% इन 1951 टू 25% इन 1991, 1951 में जो 12% हमारी जीडीपी थी वो इंक्रीज होकर 1991 में कितनी होगी हमारी 25% के आसपास होगी। राइजिंग शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन जीडीपी, उसके पीछे मेन पॉइंट क्या था, जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था ना उसका शेयर हमारी जीडीपी में लगातार इंक्रीज कर रहा था, ठीक है, लगातार उसके पॉइंट्स यहाँ पर इंक्रीज करते जा रहे थे, ठीक है। अगले पॉइंट में कहता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अब जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी, जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी, वो बच्चे ऐसी थी कि वो टेक्सटाइल और जूट के आसपास ही घूमती थी, सिर्फ यही इंडस्ट्रीज थी हमारी, ठीक है। गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज के बाद क्या आया, देयर वाज अ नोटिसेबल ग्रोथ इन द सनराइज इंडस्ट्रीज, कहता है उसके बाद जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज थी ना, मेनली लाइट्स वाली, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, उसमें एकदम से चेंज आया, ग्रोथ ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया इज ऑल्सो एस्क्राइब्ड, कहता है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज थी हमारी, पहले हमारे पास मेनली दो ही कारें हुआ करती थी यहाँ पे, दो मॉडल हुआ करते थे, एक एम्बेसडर और एक फिएट, उसके बाद आप आज देख लो बच्चे यहाँ पे इतनी गाड़ियां हैं, इतने मॉडल्स हैं कि हमें उनके नाम भी नहीं मालूम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, के इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हुई, अब हमने दुनिया के लिए अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया, ग्लोबलाइजेशन कर दिया, सबको आजादी दे दी, तो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हुई, जो हमारी जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज थी उनको भी प्रोटेक्ट किया गया और साथ में कैपिटल को भी लेके आया गया, न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयड न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जब नई इन्वेस्टमेंट आई तो क्या हुआ बच्चे, यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी थी वो भी लगातार इंक्रीज हुई। कहता है जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी थी ना, इन्वेस्टमेंट के साधन थे या इंपोर्ट इन्वेस्टमेंट के मौके थे, पहले तो हमारे देश के लोग इन्वेस्टमेंट कर पाते थे,
हमारे देश में भी क्या बच्चे सिर्फ सरकार ही इन्वेस्ट कर पाती थी, उसके बाद हमने क्या किया, सरकार भी करने लगी और बाहर से भी होने लग गया। अब कुछ बैड इंपैक्ट भी हुए, अब बैड इंपैक्ट क्या थे बच्चे, ग्रोथ जो जो मोनोपोली थे ना हमारे यहाँ पे, सब चीज़ें सरकारी ही हुआ करती थी, गवर्नमेंट चीज़ें हुआ करती थी, तो उन्हीं की मोनोपोली बन गई। अब वो मोनोपोली ऐसी बन गई, ना तो वो डेवलपमेंट कर रहे हैं ना ग्रोथ कर रहे हैं, उल्टा उनमें भ्रष्टाचार करप्शन ऐसी प्रॉब्लम आने लग गई। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में कहता, अब देखो बेस्ट एग्जांपल था हमारे यहाँ पे इसका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या, यहाँ पे हमें एक साल साल इंतजार करना पड़ता था किसी एक टेलीफोन कनेक्शन के लिए, और आज के टाइम पे आपको सिर्फ एक एसएमएस की जरूरत पड़ती है एक नया कनेक्शन लेने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है लैक ऑफ कंपटीशन इंपैक्ट लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जितना कम कंपटीशन होगा बच्चे उतने ही ज्यादा ग्रोथ के चांसेस कम होंगे, और जितने ज्यादा कंपटीशन होगा उतने ज्यादा ग्रोथ के चांसेस होंगे। ग्रोथ मतलब मॉडर्नाइजेशन। अब कंपटीशन होगा बच्चे तो हर जो प्रोड्यूसर होगा वो अपनी गुड्स को अपनी वस्तुओं को डेवलप करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब कंपटीशन नहीं यहाँ पे क्योंकि दो ही, देखो एग्जांपल हमारा फिर वही कार वाला, दो ही कारें थी, एक एम्बेसडर और एक फिएट, उनको पता है कोई तीसरा है ही नहीं तो क्या डेवलपमेंट करे, वही कारें चलती रही। और आज देख लो आप हर महीने हर दूसरे महीने हर दसवें दिन नए मॉडल कंपनियां लॉन्च कर रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है इंडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, कहता है जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे ना वो लगातार एक इंडिस्क्रिमिनेटेड तरीके से इंक्रीज करते जा रहे थे बच्चे। गवर्नमेंट जो भी करती सिर्फ उन्हीं के मीडियम से करती, हर अंडरटेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के थ्रू होता। ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए कुछ वहां पर बचता ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है वो इकोनॉमिकली अनवायबल स्टेट एंटरप्राइजेस अब पॉलिटिकल कंपल्शन। अब क्या हुआ बच्चे के ऐसे पॉइंट्स होते थे, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर होता था ना, अगर वो ज्यादा अगर वो किसी लॉस में चला जाता, कुछ प्रॉब्लम अराइजेस हो जाती, वो अच्छा रेज नहीं कर रहा, तो सरकार उसको बंद कर देती। ठीक है, उसको शट डाउन कर देती। लेकिन जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थे उनमें क्या हुआ बच्चे, वो बेशक कुछ भी करें, वो लॉस में जाए कुछ भी कहें, लेकिन वो लगातार चलते रहते, वो बेशक लॉस बियर करे, ठीक है, लेकिन वो चलते रहते बच्चे। ठीक है, आज के टॉपिक में इतना ही, और इसी टॉपिक के साथ हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चे। ठीक है, अगली वीडियो हम लेके आएंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, आशा करता हूँ आपको पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले बच्चे। ठीक है, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे।